बहुत टाइम के बाद स्मार्ट वॉच के मार्केट में रगेड लुक के अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी जो कि है फायरबोल्ट कमांडो। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप लोगों को काफी बड़ी एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है कंपनी, इसी के साथ साथ काफी सारे यूजफुल फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ मिलता है बॉक्स के अंदर, एक्चुअल में कैसे दिखती है स्मार्ट वॉच, क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, सारी चीजों को टेस्ट करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वीडियो में, तो एंड आप लोग बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा यार, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉक्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच की प्रिंटिंग, कुछ हाईलाइट फीचर्स लिखे हैं बॉक्स के ऊपर एंड यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी देखने को मिल जाते हैं मिस्टर धोनी। बाकी बॉक्स के साइड में भी कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अगर आप लोग बॉक्स को ओपन करोगे सबसे पहले मिलेगा यूजर मैनुअल, इसको पढ़ के आप लोग वॉच ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही मिलता है 1 ईयर वारंटी कार्ड, इसी के साथ साथ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कार्ड भी प्रोवाइड किए गए। बाकी मिलता है पोको पिन चार्जिंग केबल जिसके थ्रू आप लोग वॉच को चार्ज कर पाओगे और इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया प्रोवाइड करती है कंपनी। और ये रही स्मार्ट वॉच जहाँ पर आप लोग को प्रॉपर मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाएगा और ये फुल्ली रगेड लुक के साथ आती है, बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वॉच के सेटअप एंड एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोग को द फिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और काफी इजी प्रोसेस आप लोग खुद भी कर पाओगे। अब बात करते हैं वॉच के बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रॉपर मेटेलिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है स्मार्ट वॉच। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया है। इसी के साथ साथ मिलता है आप लोग को इन बिल्ड स्पीकर एंड माइक जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ कर सकते हो और कॉलिंग टेस्ट मैं आप लोग आगे करके दिखाने वाला हूँ। साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक क्राउन प्रोवाइड किया गया जो कि वर्किंग नहीं है, इसको प्रेस करके आप लोग बैक जा सकते हो। इसी के साथ साथ नीचे भी एक बटन प्रोवाइड किया गया है, इसको प्रेस करने पे आप लोग स्पोर्ट्स मोड में चले जाओगे। बाकी अगर इसके स्ट्रैप की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को 22mm का रगेड लुक में स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी भी काफी जबरदस्त प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर मैं इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड करती है कंपनी इस प्राइस सेगमेंट में। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप लोगों को 1.95 इंच की काफी बड़ी एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है और डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 410x502 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाती है, पिक्सल रेट बिल्कुल भी नहीं होती है, कलर एक्यूरेसी कंट्रास्ट वगैरह काफी ज्यादा बैलेंस देखने को मिल जाएंगे। और इसी स्मार्ट वॉच को आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं पर भी यूज कर सकते हो, विजिबिलिटी को लेकर कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। बाकी बात करते हैं वॉच के यूआई के बारे में और देखते हैं क्या क्या इस वॉच के अंदर फीचर्स। अगर आप लोग ऊपर से स्वाइप डाउन करोगे यहाँ पे सेटिंग के शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मिलेगा आपको फोन कॉल्स, इसके अलावा मेन्यू स्टाइल्स, यहाँ पर आप लोगों को 8 टाइप्स के डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स मिल जाते हैं जिसको आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बाकी मिलता है ब्राइटनेस का ऑप्शन, फ्लैश लाइट एंड सेटिंग। सेटिंग के अंदर भी काफी सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले मिलेगा डिस्प्ले, इसके अलावा स्क्रीन टाइम, वॉच फेसेस, मेन्यू स्टाइल, रिस्ट टू वेकअप और मिलता है वाइब्रेशन, डीएनडी मोड, लो पावर मोड, फोन कॉल्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर आपको 2 वॉच फेसेस मिल जाएंगे, एक है एनालॉग दूसरा है डिजिटल और इसकी भी ब्राइटनेस यहाँ पे काफी ठीक ठाक मिल जाती है। और इसी के नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूजफुल फीचर्स प्रोवाइड किया गया जो कि है कैलकुलेटर का, तो डेली लाइफ में आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मिलता है रीस्टार्ट, पावर ऑफ एंड रीसेट। बाकी अगर आप लोग नीचे से स्वाइप अप करोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाते हैं और राइट से स्वाइप करने पे विजिट के शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, लेफ्ट से स्वाइप करते ही यहाँ पे आपको रीसेंट ऐप शो हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे आप टैप करते ही मेन मेन्यू में चले जाओगे जहाँ पे वॉच के सारे फीचर शो हो जाते हैं। सबसे पहले मिलता है यहाँ पे एक्टिविटीज, इसके अलावा स्लिप मोड, हार्ट रेट, फोन कॉल्स के अलावा एक्सरसाइज, यहाँ पर आप लोग को 123+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। बाकी मिलता है बीपी मॉनिटर, SPO2, वेदर फोरकास्ट, मैसेज, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और कॉलिंग के साथ साथ यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का फीचर्स भी प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी काफी यूजफुल फीचर्स होता है। सेटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था और मोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर भी काफी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, टाइमर, अलार्म, स्टॉपवॉच, फीमेल हेल्थ ट्रैकर, इसके अलावा फ्लैश लाइट एंड फाइंड माई फोन। तो ये थे इसके फीचर्स। अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल यूआई परफॉर्मेंस के बारे में तो हाँ, यहाँ पर भी ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, लैग या फिर हैंग जैसा कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलता है, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है स्मार्ट वॉच की यूआई।
अब चलते हैं फटाफट एक्यूरेसी को भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है स्मार्ट वॉच। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना हार्ट रेट टेस्ट किया स्मार्ट वॉच को पहनकर और रीडिंग भी काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करती है स्मार्ट वॉच। अगर मैं कंपेयर करूँ ऑक्सीमीटर से तो बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक से दो रीडिंग का ही फर्क देखने को मिलने वाला है। बाकी बात करें SPO2 के बारे में तो यहाँ पर भी स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, SPO2 के अंदर भी आपको काफ़ी सिमिलर रीडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी इसी स्मार्ट वॉच को मैंने हवा में और टेबल में भी टेस्ट किया था, कहीं पर भी कोई रीडिंग शो नहीं करेगी ये स्मार्ट वॉच। सेंसर भी काफ़ी जेन्युइन प्रोवाइड किए गए, लेकिन फिर भी आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा यार, किसी भी स्मार्ट वॉच पर रिलाई मत रहा करो, चाहे वो किसी भी ब्रांड्स का हो। सीरियस कंडीशन में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ किया करो, क्योंकि स्मार्ट वॉचेज इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। अब चलते हैं फटाफट कॉलिंग टेस्ट भी आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ और देखते हैं कॉलिंग के मामले में ये स्मार्ट वॉच कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सब बढ़िया। अरे यार मैं ना वॉच से कॉल कर रहा था। चल ठीक है, ये पूछ रहा था। आप लोगों ने कॉलिंग क्लिप्स देख लिया, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी। बाकी अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो यार देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है। बात है फाइनली कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को फायरबोल्ट कमांडो स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए अंडर 3000 या फिर किसी और स्मार्ट वॉच के साथ जाना चाहिए। तो अगर आप लोग रगेड स्मार्ट वॉच के फैन हो तो डेफिनेटली ये स्मार्ट वॉच वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच बन जाती है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रगेड लुक के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बिल्ड भी प्रोवाइड किया गया इसी स्मार्ट वॉच में, और इसके अलावा बहुत ज्यादा बल्की भी देखने में नहीं लगती है, नॉर्मल रिस्ट वालों पे काफी बढ़िया लगने वाली है स्मार्ट वॉच। और ऑफकोर्स इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को AMOLED ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया है और इसकी भी क्वालिटी काफी जबरदस्त निकल के आती है। बाकी इसके अलावा और भी काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाएंगे इसी स्मार्ट वॉच में, तो देख लो यार अगर आप लोग अंडर 3000 कोई बेस्ट रगेड स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्ट वॉच देख रहे हो जहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले भी चाहिए, क्योंकि रगेड स्मार्ट वॉच में बहुत ही कम AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो भी आप लोगों की नीड होती है। इसी स्मार्ट वॉच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस स्मार्ट वॉच में जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault.